अब आपके शहर गया में आ गया है ऑनलाइन डिलीवरी फ्रेशो। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। बिहार गया नगर निगम के वार्ड संख्या 49 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। नली गली नल जल योजना से मरहूम मोहल्ले वासियों ने कहा कि वार्ड पार्षद परमिला पटवा व उनके पति किसी की भी नहीं सुनते हैं, काम भी जाति और धर्म को देखकर कराते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। गया नगर निगम के भावी उप महापौर प्रत्याशी सैयद इमरान नबी ने जब से उप मेयर पद लड़ने की घोषणा की है, तब से जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों गया नगर निगम के वार्ड नंबर 49 में गए हुए थे। वहां जब नाली गली की स्थिति को देखा तो भड़क उठे। उनका साफ कहना था कि जिस तरह से इस वार्ड में विकास होनी चाहिए था, उस तरह से विकास हुआ नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है? वहाँ की जनता से रूबरू होकर वार्ड की स्थिति को जाना। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं भावी प्रत्याशी उम्मीदवार इमरान नबी। समस्या को समझने के लिए और देखने के लिए आए हैं। जो परिस्थिति यहाँ पर की है, यहाँ के लोग निगम से मिलने वाली सुविधा से पूरी तरह वंचित है। ना यहाँ सड़क है सही, ना नाले की कोई सुविधा है, ना इंदिरा आवास की कोई सुविधा है। गरीब जो है दिन प्रतिदिन अपनी समस्याओं को लेकर निगम तक जाते हैं अपने काउंसलर के थ्रू, लेकिन इनकी समस्या का कोई समाधान आज तक नहीं हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं निगम के लोगों से, निगम के मेयर और डिप्टी मेयर से, कि आप पर्सनली किसी एक वार्ड या पर्सनली किसी एक इंसान के लिए आप मेयर या डिप्टी मेयर नहीं हैं। आप निगम में आने वाले 53 वार्ड के मेयर और डिप्टी मेयर हैं। 15 सालों में जिस परिस्थिति से यहाँ के लोग, इस मौके पर जिस तरह से महादलित हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मिसाल पेश करते हुए संतोष सिंह के द्वारा सभी को साथ लेकर पर्व मनाने का निश्चय को बिहार टुडे की टीम सलाम करती है। जो सिर्फ विकास की राजनीति करता हो, ऐसे लोगों को बार बार सलाम। बिहार टुडे की चंदन भारती की खास रिपोर्ट। जो भी राशि या जिस तरह का जो सहयोग होना चाहिए, यहाँ के लोग पूरी तरह से वंचित है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस बार ऐसे लोगों को कि आपको वर्तमान सरकार ने इस बार हक और अधिकार दिया है कि आप ऐसे लोगों को चुनकर इस बार निगम भेजें जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, ना कि इन पाखंडियों के तरह जो केवल बैठकर गरीब जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसे से दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। जो टैक्स गरीब जनता अपने खून पसीने के कमाई से सरकार को देती है, उसका उस परिवार को या उन लोगों तक उस सहयोग उन तक नहीं पहुंच पाता है। आप खुद देख रहे होंगे क्या परिस्थिति है। ये तो लग ही नहीं रहा है कि ये नई मस्जिद आप मुड़तोड़ जवाब देने का काम करेगी और ये बताना चाहेगी कि इस बार खरीद फरोख्त करके सरकार बनने वाली नहीं है। सरकार ने खुद हमें अधिकार दिया है, हम अपना मेयर और डिप्टी मेयर और काउंसलर अपने हक और अधिकार से उनको बनाएंगे और जिताएंगे और निगम में भेजेंगे।